का, ये हैंड ब्रेक लगा दी गई देखो भाई। अरे बाप रे क्या रुक रही है। और ये रही व्हीली, ये देखो हैंड ब्रेक का सेटअप कैसे लगाया गया है इस पे। एक और मतलब क्या ना, देखो पिकअप देखो, देख रहे हो भाई टैंक चिपटी क्यों है, ये चल वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की वीडियो बहुत डिमांडिंग थी। सोनू भाई आप स्टंट राइडिंग, स्टंट बाइक को ऑन करो, स्टंट मशीन को ऑन करो। मैं अपनी तो नहीं कर पाया बट समझ लो मेरी ही है स्टंट मशीन यहाँ पे खड़ी है। क्लिप्स आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगी बट बता दूं भाई इस पे थोड़ा बहुत व्लॉग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे बाइक पे क्या मॉडिफिकेशन करे गए हैं। और सेम टू सेम मेरी मशीन भी थी, हमने एक साथ ही तैयार करी थी, तो ये बहुत पुरानी थी। तो इसको स्टार्ट करा है भाई, फिलहाल खाली स्टार्ट करा है आप लोगों के लिए। फिलहाल इस पे हैंड ब्रेक सेटअप लगा हुआ है, कैसे क्या लगा है चल के बातें करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, ओवरऑल लुक दिखाएंगे, थोड़ी बहुत व्हीलीज वगैरह दिखाऊंगा करके और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और देखो यार मजा लो, तो भाई यार तो आपका भाई स्टंट राइडिंग प्रीफर नहीं करता किसी को करने, बट यार आप लोग कमेंट करते हो तो एक ड्रिफ्टिंग तो बनती है, एक ड्रिफ्टिंग करके दिखाएंगे। तो भाई यार आपके भाई ने फिलहाल आ गया भाई आपका स्टंट मशीन पे, तो आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा भाई। ये है हमारी पल्सर 150 जो कि मॉडिफाइड करी गई है पल्सर 200 पे, ठीक है। आप लोग का यार मैं पहले बता दूं, आपके भाई को पूरी बाइक ब्लॉक पिस्टन से लेके इंजन से लेके पूरा घर पे रिस्टोर कर सकता हूँ। स्टंट राइडिंग भी एक टाइम में मैंने बहुत करी है बट अब छोड़ दी है, और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कोई चीज़ें आप लोग भी ट्राई ना करें। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। तो बताता हूँ भाई कि इस बाइक पे क्या क्या मॉड करे गए हैं क्या है। तो पहला जो कि विजिबल हैंडल, ये FZ का हैंडल लगा हुआ है और लोग वन पीस हैंडल ही लगाते हैं, सिंगल पीस हैंडल काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि ये मतलब चलाने पे अच्छा लगता है, स्टंट राइडिंग करोगे है ना तो ये अच्छा मतलब कंट्रोल बनता है, ये सिंगल पीस हैंडल का यही बेनिफिट है। तो FZ हैंडल लोग प्रीफर करते हैं। आप लोग देखो यार कई स्टंट राइडर्स हैं जिन्होंने KTM RC 200 पे भी सिंगल पीस ड्यूक का हैंडल लगाया है, तो यही कुछ होता है। बाकी बात करते हैं भाई इसकी पावर की, तो यार पावर इसकी काफ़ी बढ़ गई है इनिशियल। इसका रीज़न ये है ना भाई, क्योंकि इसका स्विंग आर्म करा गया छोटा, जितने भी जो व्हीलीज मारते हैं ना ये सेकंड गियर थर्ड गियर में व्हीलीज उठती है, स्विंग आर्म छोटा कर दिया जाता है, बाइक की लेंथ कम कर दी जाती है ताकि आराम से व्हीली उठे। मैं एक फोटो अटैच कर रहा हूँ स्क्रीन पर, देखो इसका स्विंग आर्म देखो कितना ज़्यादा लंबा कर दिया गया हायाबूसा का। इससे क्या होता है बाइक लिफ्ट नहीं होती, जब ट्रैक पे हम लोग इनिशियली ऐसे करके छोड़ते हैं ना तो बाइक आगे से लिफ्ट हो जाती है, ये बचाने के लिए हम लंबा स्विंग आर्म करते हैं कि बाइक लिफ्ट ना हो। इसका स्विंग आर्म कर दिया गया छोटा, ये हैंड ब्रेक लगा दी गई है देखो भाई। अरे बाप रे क्या रुक रही है, हैंड ब्रेक मैंने भी लगाई थी, पावर देख लो आप लोग कितनी इनिशियल कितनी ज़्यादा है, बहुत इनिशियल है। आगे की ब्रेक अभी फिलहाल वर्किंग नहीं है। बाकी इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, हैंडमेड कस्टम एग्जॉस्ट है, मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने पे। जो सिंगल पीस हैंडल और शॉर्ट हाइट वाली बाइक रहती है ना मज़ा आता है। और इसकी क्लच प्लेटें जो कि नॉर्मल आती थी वो 4 प्लेटें आती है, कन्वर्ट करके 6 प्लेटें पे रिटर्न कर दी गई है, और 6 प्लेटें करने का फ़ायदा है देखो भाई, ये देखो कैसे रोड छोड़ती है बाइक। तो 6 प्लेटें करने का फ़ायदा ये है कि क्लच प्लेटें जल्दी नहीं जलेगी, ठीक है। और बॉडी बैलेंसर वाइब्रेटर पल्सर पे एक है भाई चीज़ जो कि हर पल्सर पे बीमारियां आ जाती है, और कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना यार इसका ये वाला व्यू, ठीक है। बाकी आगे मॉन्स्टर लाइट लगाएंगे, मैं भी अपनी बाइक तैयार करूँगा यार, और ओनली फॉर शोपीस रखूँगा भाई, क्योंकि स्टंट राइडिंग तो मुझे करनी नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर शोपीस रखेंगे अपनी बाइक तैयार करके, इनिशियल काफ़ी अच्छी है। देखो 5th गियर पे हो, टॉर्क देखो बाइक की, ओए होए ये टॉर्क चेन स्प्रोकेट की वजह से भी होता है। चेन स्प्रोकेट आप लोग इस पे बड़े मतलब ज़्यादा टीथ के चेन स्प्रोकेट डाल सकते हो, पल्सर 180 का चेन सेट डाल सकते हो, करिश्मा का चेन सेट डाल सकते हो, करिश्मा आर का चेन सेट इस पे इजीली इंस्टॉल हो जाता है जो कि हमारी बाइक के पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है भाई।
रुक के आप लोग दिखाएंगे। ये आप लोग देख रहे हो कि भाई टैंक चिपटी क्यों है, ये चढ़ने के लिए है भाई, देख लो, ये देखो, देख रहे हो भाई, ये टैंक पे आ गया, ये चढ़ने के लिए है, पीछे फुटरेस्ट दिए गए हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि भाई इस पर मतलब लगा दिए गए हैं, कर दिए गए हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। और बाकी मैंने तो इसके अपने वाली पल्सर पे नीचे भी एक एंगल बार लगाया है जो कि विदाउट फ्रंट व्हील व्हीली के लिए, ये देखो भाई स्क्रीन पे फोटो आ रही है, ये आपके भाई ने 2013 पे कर दिया था, ठीक है, किसी ने नहीं करा था। और एक फोटो देखो स्क्रीन पे आ रही है, ये वाला स्टंट स्विचबैक कॉफिन जो कि मारा है भाई 2013 में कर दिया आपके भाई ने, तो हिसाब लगा लो भाई कितने पहले। इस पर एलॉय व्हील डलने हैं, काफ़ी काम होगा भाई। एक बार इनिशियल देखो भाई की कितनी अच्छी है, मतलब इससे क्या होता है ना, देखो पिकअप, देखो देख रहे हो पिकअप उकअप बहुत अच्छी है भाई बाइक की। और एक चीज़ है, पल्सर पे बस एक ही बीमारी है वाइब्रेशन की, पुरानी होने पे, पर इस पर वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि इसका अभी अभी बैलेंसर सेट करवा दिया गया है, ठीक है। बैलेंसर सेट होने से वाइब्रेशन दब जाती है बाइक की, ठीक है। तो अभी रुक के एक लोग एक बार आप लोगों को इसकी आवाज़ सुना देते हैं, एग्जॉस्ट दिखाते हैं, हैंड ब्रेक का सेटअप दिखाते हैं थोड़ा सा। तो स्टंट राइडिंग आपका भाई नहीं करेगा बट बाइक रिस्टोर ज़रूर करेगा, सेम टू सेम। मेरी भी पहले ब्लू कलर थी, फिर मैंने ब्लैक कर दी थी, फिर मैंने डल ब्लैक कर दी थी, फिर मैंने ब्लैक और ऑरेंज कर दी थी, तो काफ़ी मॉड करे थे भाई आपके भाई ने बाइक पे। और मुझे शुरू से बड़ा शौक रहा यार बाइक वगैरह मॉड करने का, सब मुझे बड़ा पसंद है यार, ठीक है। सबको अपना अपना रहता है, मुझे स्टंट राइडिंग तो इतनी पसंद थी ना भाई कि मैं जिस दिन स्टंट राइडिंग नहीं करता था तो भाई उस दिन मुझे नींद नहीं आती थी, टेंशन होती थी। बट भाई कोई नहीं, अपन फिर से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। एक बार आप लोगों को बाइक की यहाँ पे लुक दिखाते हैं रुक के, ये देखो भाई, एक बार आप लोगों को हैंडब्रेक का सेटअप और बाइक की लुक दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो, ये है DTSI 2006 वर्जन, और साथ में हैंडब्रेक का सेटअप, कस्टम हैंडमेड एग्जॉस्ट। ये देखो हैंडब्रेक का सेटअप कैसे लगाया गया है, इस पर एक और मतलब वेल्डिंग कर दिया गया है, ठीक है, सेम एंगल। वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने मक्खी डाल के एक स्कूटर की तार लगा दी है, हाथ पे ब्रेक आ गई है जैसे कि स्कूटी पर रहती है, इसका काफ़ी बेनिफिट है। ये देखो आप लोग को ये दिख रहा होगा फुटरेस्ट, ये चढ़ने के लिए है। और ये टैंक देख लो भाई, काफ़ी शानदार आती है लुक। बाकी लाइट टेम्प्रेरी लगा दी गई है, आगे नंबर प्लेट वगैरह भी सब कुछ है। तो कैसी लग रही है भाई, तो ओवरऑल लुक कैसी लग रही है बता देना। सीट भी आप लोगों को देख के अलग लग रही होगी, पीछे का ग्रैबर अलग लग रहा होगा, तो ये सब ज़रूरी होता है भाई, मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो बाइक पे होनी चाहिए। बाकी स्क्रीन पे वीडियो जारी देखो भाई, ये सब चीज़ें यही सब बाइक पे किए गए हैं। ये वाला देख लो, सीट की हाइट देख लो, ये काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। तो अभी चलते हैं भाई घर, और छोटा सा व्लॉग करा था आप लोग के लिए, तो व्लॉग को करते हैं ख़त्म। वीडियो को आप लोग करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। और हाँ भाई, अपनी बाइक 150 पल्सर भी तैयार होगी, जल्दी होगी, और बहुत मस्त करेंगे भाई तैयार, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।